तो खताब के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद सदीक साहब की खिदमत में कि वो आज की मुनासिबत से अपने मनसूबात से हमें नारा फरमाए। जनाब तो सुनने आया हूँ सदीक मुस्तफा साहब, माशाल्लाह आप अपने आप को ही सुन लिया। हाँ बेशक बेशक, ये हमारे निजी महफिल है जी, क्योंकि मकसद ये है कि जो भी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर जिनको हमारी तारीख का इल्म नहीं है, तो आप जैसे इल्म साहिब इल्म के मौजूदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमंत बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बिंदे पाक अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरे इंतहाई काबिल कदर बिरादर मुकर्रम पीर तरीकत जनाब पीर सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब दामत फतवा कुदसिया, और आज की इस मजलिस में मेरे जितने भी मुअज़्ज़ज़ भाई मुअज़्ज़ज़ बहने तशरीफ़ फरमा है, अज़ीज़ बच्चे, अल्लाह पाक सब काना कबूल फरमाए। तो टाइम भी थोड़ा ही रह गया है, बस ये बात है कि अल-अम्र फ़ौकल अदब हुक्म हो गया है। वो कहना सच्ची बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं हाज़िर हुआ था सुनने के लिए, कुछ लेने के लिए, और बाबर साहब फरमा रहे थे कि मेरे जैसे साहिब इल्म मेरे पास कोई इल्म नहीं, एक तालिब इल्म हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो कोई बुज़ुर्गों से मिला है उसको भी और आइंदा भी जहाँ से कुछ खैर मिले उसको संभाला जाए। तो और साफ सी बात है कि मेरी ज़ुबान में ना तो वो तहारत है पाकिजगी है जो उन पाक हस्तियों का जिक्र कर सके, ना मेरी सोचों में कोई खैर और बेहतरी है कि उन पाकिज़ हस्तियों के बारे में मैं कोई अच्छा ख्याल ला सकूं। जैसे तैसे कोई हालत है, बस आप बुज़ुर्गों की दोस्तों की मोहब्बत के इस मौके पे चंद कलमात कहने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है हमारे कायनात मेरी तरफ से बोलने में जो कोई कमी पेशी हो उसकी माफ़ी कर पाए। हजरात ये हम आज अल्लाह के फजल करम से जो कलमा पढ़ते हैं, जो हमें इस्लाम हासिल है, जो दीन हमारे पास मौजूद है, सच्ची बात है कि अगर करबला वाले उस वक्त कुर्बानी ना देते तो आज दीन कोई और सूरत में हमारे सामने होती। जितने मजाहब आए हर मजहब वक़्त के साथ बदलता गया, लेकिन ये फैज़ है हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल आलमीनी का, खातमुन नबीयीन का, कि आपका ये फैज़ फिर आपके अहले बैत और इतरत ने इस तरह लोगों के सामने महफूज किया है कि क़यामत तक जब भी मुहर्रम आता है वो ज़ख़म भी ताज़ा होते हैं, लेकिन साथ साथ अहले मोहब्बत को बहुत कुछ बताए जाते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, आपने जिस तरीके से तरबियत पाई, गोद है तो वो भी लाजवाब है और सर पे बाप का साया है तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं है, और उसके ऊपर नबुवत और रिसालत का आसमान है उसकी भी कोई हमसरी नहीं कर सकता। फिर आप इस हद तक पाकीज़ा थे, शरीयत के पाबंद थे कि सारी जिंदगी नाना जान की तालीमात के ऊपर गुजारी। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम आपके बड़े भाई हैं, आपको बहुत शौक था कि मैं कुछ सीखूं नाना जान के बारे में, तो फरमाते हैं मैं जिसके पास भी जाके ना कुछ सीखने की कोशिश करता बोलता कि मुझे बताएं, तो मुझे यही कहते थे कि आपसे पहले हुसैन आके पूछ गए। फरमाते मैं अपने अब्बा जान के पास चला गया, मैंने कहा अब्बा जान आपने तो बचपन से नाना जान को देखा और बहुत कुछ राज है आपके पास, आप घर में क्या फरमाते थे वो भी आप उससे आगाह हैं, बाहर आपका उस वैसा क्या था आप जरा मुझे बताएं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल कर रहे हैं बजान से,
तो आपने फरमाया मुस्कराए, तो आप अर्ज करते हैं बजान मुस्कराए के हूँ, फरमाया हुसैन आपसे पहले आके पूछ गए और आपने बहुत बड़ा इल्म का विरासत छोड़ा। एक हदीस पाक उसूल बरकत के लिए आपसे भर भी है अर्ज कर रहा हूँ, सबक सुना रहा हूँ और ये हमारी जिंदगी के अंदर अमूमन हमें जरूरत पड़ती है। आप फरमाते हैं कि मेरे नाना जान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी किसी इंसान पे कोई मुश्किल आए तो मुसीबत का सबर के बारे में आप कहा गया कि सबर किसी भी तकलीफ और मुसीबत के शुरू में होता है, यानी जब आई है ना मुसीबत वो वक्त होता है जिसमें सबर का वक्त होता है, उस वक्त हुक्म है कि सबर कर जाओ। तो आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी भी मुसीबत खास छोटी या बड़ी पे जब वो आई तो उसका इस्तकबाल किया कैसे, कि उस वक्त पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आगे आप सुने जरा इसके आगे फवायद क्या है। आप फरमाते हैं कि जो वो उसका उस वक्त नुकसान हुआ, अल्लाह करीम उस पूरे नुकसान का अजर इस एक कलबे की बदौलत उसके नामे अमाल में लिखवा दे। तो आप फरमाते हैं फिर आपने जब फरमाया कि जब जब उस बंदे को वो मुसीबत याद आएगी, वो नुकसान याद आएगा, उस वक्त फिर इसको दोहराए। हम तो एक तो पढ़ते हैं ना इस हदीसे पाक में क्या है कि जब वो याद आए फिर भी ये पढ़े। आपने फरमाया जब जितनी बार याद आएगा, जितनी बार कलमा पढ़ेगा, हर बार अल्लाह पाक पहले जितना अजर बख्शा था उतना अजर अता फरमाया। आजकल दौर इस तरह का चल पड़ा है कि मालो दौलत इसकी अहमियत बढ़ चुकी है, जरूरियात ऐसी हो गई हैं, बंदा इसके बगैर रह नहीं सकता। तो अगर किसी की पॉकेट से कोई 50 यूरो 100 यूरो गिरता है तो उसको अच्छी खासी तकलीफ होती है, जिसने मेहनत से कमाया हो। तो मैं सिर्फ मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हदीसे पाक तो मुकम्मल हो चुकी कि मेरा 100 यूरो मिसाल के तौर पर गुम हुआ, मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 1000 भी गुम हो सकता है कभी। अच्छा मुझे ये हफ्ते में 10 बार याद आया, 10 बार मुझे 100 यूरो याद आया, तो मैंने 10 बार पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कितने हो गए जनाब? 1000। 1000 मुझे सिर्फ इस कलमे को, इस आया मुकद्दसा को, इस फरमाने आलीशान को पहले सदमे में पढ़ा, अब मैं 1000 कमाऊं मुझे महीना चाहिए। अगर किसी का 1000 गुम हुआ है, उसने अगर 10 बार इसको याद करके पढ़ा है तो उसको 10000 मिल चुके हैं। देखें, यानी आपने उम्मत को एक ऐसा फैज अता फरमाया है कि ना घबराया करो, परेशानियां अल्लाह ताला ने इस जमीन पे इंसानों के लिए ही पैदा की, ये नहीं कभी भी टाल, जिसने आना है वो आके रहेगी, जब वो आए तो उस वक्त परेशान ना हो, बल्कि जिस तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये आपने सुन रखा होगा कि जब आखिरी वक्त आपका नंबर आ गया तो उससे पहले आप खैमों में तशरीफ ले गए। वाकया तो चाहिए कि सारा बयान किया जाए, लेकिन आप यकीनन आज बड़ा नेट का दौर है, आप इस वाकया करबला को सुने, जो भी जय्यद उलमाए कराम हैं जो इस वाकये को दर्द के साथ बयान करते हैं उन्हें सुने, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलें। तो उस वक्त जब आपका वक्त आ चुका तो आप चले गए खैमे के अंदर और आपने अपनी हमशीरा साहबा को एक वसीयत फरमाई। वसीयत होती है कि जब इंसान को पता चल जाए कि मेरा मौत का वक्त करीब आ रहा है तो वह अपने किसी आदमी को कहता है। तो आपने फरमाया मेरी बहन याद रखना, मुश्किल वक्त आने लगा है, इस मुश्किल वक्त का मुकाबला ऐसे ही करना है जिस तरह हमारी अम्मी जान ने अपने अब्बा जान के विसाल पे किया था। यानी हजरत सैयदतु निसाए आलमीन सैयदतु निसाए आल जन्ना सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया जितने भी अलकाबात है सारे आप पे कुर्बान। आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल पे जो सदमा था, वो जो उन्होंने सबर किया था, आप अपनी बहन को फरमा रहे हैं कि अब आगे आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब देखें कि किस मकाम पे, किस वक्त पे आप ये सबर की तरकीन फरमा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी अजीम हस्ती है, इतना अजीम मकाम है कि इतने बड़े खौफ के आलम में भी उनके हौसले कितने ऊंचे हैं, उनका सब्र किस मकाम का है,
कि अपनी मस्तूरात को ये बता के जा रहे हैं कि आपने ख्याल रखना है अपने खानदान का, अपने आबा अजदाद का, खासकर अम्मी जान का हवाला दे के आपने फरमाया। फिर उन हस्तियों ने करके भी दिखाया कि इतना बड़ा सानिया हजरत इमाम आली मकाम के लगते जगत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना हंसते नहीं थे आप। कभी कभी कोई किसी ने कोई देखो कोई मुस्कुराहट, लेकिन आप हमेशा खामोश रहते थे। तो किसी ने पूछा कि हजरत आप मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, तो क्या वजह है? आप फरमाते हैं जो कुछ मेरी आंखों ने देखा अगर आप देख लेते तो रोते ही रहते, मैं तो चुप हूं ना। यानी आपने तो सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, आपने फरमाया अगर आप देख लेते तो सारी जिंदगी रो रो के वक्त गुजारते। तो इतनी बड़ी इब्तला और आजमाइश हमारे लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत बड़ा उस्वा हसना छोड़ा है। और फिर मैं बात को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ, आगे नमाज का वक्त करीब है। दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे पॉइंट की अर्ज करता हूँ। एक तो ये है कि हम आजकल जिस दौर से गुजर रहे हैं, मसरूफियात का दौर भी है, हालात भी ऐसे हो चुके हैं कि हमारे जो ना मशागल और ख़ास कर ये जो नेट का सिस्टम आया है इसकी वजह से हम अल्लाह पाक के जिक्र और याद से बहुत दूर हो गए हैं। कभी कभी नमाजें भी अगर कोई बड़े हसास लोग हैं तो टाइम हुआ तो पढ़े, नहीं तो ज़्यादातर इसके अंदर वो एक प्रोग्राम खुलता है फिर दूसरा खुल जाता है फिर तीसरा खुल जाता है। ये एक बहुत बड़ा फितना है हमारे हाथ में आ चुका है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत बड़ा जो सबक नमाज के हवाले से छोड़ा वो ये कि जब नौ मुहर्रम आ गई तो यजीदी चाहते थे कि आज ही जंग हो जाए, आज ही किसी तरह नाऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये मामला मुकम्मल हो जाए। लेकिन आपने उनसे मोहलत मांगा, उस मोहलत मांगने में आपके दो जो ना मकासद थे। बड़ा मकसद आपका ये था कि एक रात और मुझे मिले मैं ताकि दिल खोल के अपने रब की इबादत कर सकूं। इससे हमें एक सबक मिलता है कि मुसीबतों दुखों और परेशानियों के वक्त नमाज बड़ी मददगार है, क्योंकि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने अमल से जब आप पे कोई ऐसा वक्त आ जाता है बड़ी मुसीबतें आप पे आई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो मुसीबतें मुझ पे आई हैं अगर पहाड़ों पे आती तो रेजा रेजा होता था। किसी चीज के अंदर ताकत नहीं है कि वो उन मुसीबतों को उठाए जो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई। तो आप क्या करते जब मुसीबत आती तो आप नमाज बढ़ा देते फर्ज के साथ और भी जो नौफिल आप और नौफिल थोड़े बढ़ा देते थे। हमें भी चाहिए कि दुख और परेशानी, हम पता है कभी एक को फोन करते हैं कभी दूसरे को, ठीक है कोई हमारा हमदर्द एक और सब दुख बांट देगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है वो हमारी गलती के ऊपर डिस्कस करते हैं आपने ऐसे किया क्यों था, इस तरह आपको करना ही नहीं चाहिए था। बजाय इसके कि हम अपने दिल के ऊपर मरहम रखें तकलीफें हमें ज्यादा मिलती है, तो क्या ये अच्छा तरीका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि उस वक्त अल्लाह करीम की बारगाह में खड़े हो जाओ, बैठ के अगर बीमार हो तो बैठ के नमाज पढ़ो, बढ़ा दो या अल्लाह अगर मुसीबत आ गई है तो निकालना तू नहीं है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम आपने उस रात अल्लाह पाक की इबादत की। दूसरा आपका मकसद ये था कि जो आपके रुफका थे आपके साथ उनको रात को मौका फराहम करें, आपने सबको रात को इकट्ठा किया जो आपके साथ जानिसार गए हुए थे। आपने फरमाया देखो मैं आपसे वादा करता हूँ कि क़यामत के दिन, यही आपको है ना कि क़यामत के दिन हमें छुड़ाएगा कौन, तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, आज के दौर में कोई मुसीबत में आदमी किसी दोस्त को ये कहे तो वो जल्दी इस चीज़ को कबूल कर जाएगा, चलो यार ठीक है वादा जो हो रहा है आज मैं मेरा वादा है नाना जान की बारगाह से मैं छुड़ाऊंगा क्योंकि मैं खुद आपको भेज रहा हूँ। देखिए कितनी सखावत है यार, कितने बड़े सखी हैं कि उस वक्त भी उनको, हालांकि अपनी जान के ऊपर बनी हो तो बंदा दोस्तों को साथ में लाता है, आप उस वक्त भी कह रहे हैं आप लोग चले जाओ सिर्फ मेरा मामला है क्योंकि ये मेरा ही चाहते हैं तो आपको मैं छुड़ाऊंगा। लेकिन वो ऐसे जानिसार थे माशाल्लाह, क्या अजीम थे, उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है आपके बगैर हम फिर जिंदगी जियेंगे कैसे, हमारा एक एक दिन कैसे, हमारा जमीर हमें अंदर से मुलामत करेगा, हम उसका सामना कैसे करेंगे अगर आपको छोड़ जाए, ठीक है आप तो हमें वहां से बचा लेंगे लेकिन हमें हमारा ईमान और जमीर नहीं जीने देगा। इसलिए आप जो कुछ है आपके साथ ही, तो बावफा दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल में वो साथ खड़े रहे। बहरहाल एक तो इस वक्त आपने नमाज नहीं छोड़ी, दूसरा जब जंग हो रही थी उस जंग के दौरान जोर का वक्त आ गया, ठीक है हो सकता है आपने ये रवायत किसी से सुनी हो, तो जंग के दौरान नमाज का वक्त आ गया तो आपने अपना मैसेज भेजा यजीदी लश्कर की तरफ कि कुछ देर के लिए जंग स्टॉप की जाए,
हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आशिक थे इमाम, उन जैसा कोई आशिक नहीं मिलेगा जिसने लेकिन आप आगे अगली बात बड़ी तकलीफ दे, बदनसीब जो थे उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया, नमाज की मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह जैसे करें उन्होंने नमाज की इजाजत नहीं दी। आपने अपने दोस्तों के साथ फरमाया, अब ये अब इधर देखे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, ये रस्सी है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, और दूसरा आपने फरमाया मेरी इत्रत और अहले बैत। आपने फरमाया ये दोनों कुरान और मेरी अहले बैत इकट्ठे रहेंगे और हौज़े कौसर भी इकट्ठे आएंगे। अब इधर इकट्ठा कैसे है, ये सलातुल खौफ अपना कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है कि जब कभी भी जंग हो रही हो तो जो सिपा सालार है मुसलमानों की वो क्या करेंगे, दो ग्रोह बनाएंगे, दो ग्रोह बनाएंगे, एक ग्रोह दुश्मन का मुकाबला करेगा और दूसरा जो ग्रोह ग्रुप है वो नमाज करेगा। आपने फरमाया अगर वो इजाजत नहीं दे रहे तो ना दे, लेकिन हमने अपनी नमाज नहीं छोड़ दी। इससे हमें पता चलता है कि नमाज का फरीजा इसको अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में भी दुश्मन नहीं इजाजत दे रहा, आप अगर नहीं छोड़ रहे और उस वक्त शरीयत के इस मामले को भी पाबंदी से अदा कर रहे, तो जो हुसैनी है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती है, उसे नहीं भूलना चाहिए जैसे भी हालात हो। अब इससे बड़ी और क्या छूट हो सकती है कि हम अगर बीमार हैं उठ के बैठ भी नहीं सकते तो हमें लेट के, इतनी बड़ी इबादत की छूट, और ये सदका आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर बीमारी में लेट के भी अदा करनी हमें नहीं छोड़ सकते, तयम्मुम करने अगर वुज़ू नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि इस फरीजे को हम अगर पकड़ेंगे तो फिर तो हम हुसैनी कहलवाने के हकदार हैं, फिर तो हम कह सकते हैं कि हम मोमिन हैं। और अगर हम नमाज के मामले में कह के खैर है चलो कोई नहीं बाद में पढ़ने के, बस एक आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, नमाज के बारे में हुक्म यह है कि जमात अगर मस्जिद में होती है तो उसका तो टाइम है, वो हम नहीं कर सकते पहले ना, उसका तो एक मुकर्रर वक्त है, वहां पहुंच के हमने टाइम की पाबंदी करनी, लेकिन अगर हम अकेले हों तो उस वक्त तो कम यह है कि नमाज को पहले टाइम में अदा करो। क्या करो, हम पता है क्या कहते हैं, हम काम लगे रहते हैं, ये काम खत्म कर लो, अभी तो दो घंटे बाकी हैं, अभी तो तीन घंटे बाकी हैं, अच्छा उससे हम दूसरे काम में लग जाते हैं, अभी बड़ा टाइम है, फिर पता है क्या होता है आखिरी वक्त आ जाता है, फिर हम दौड़ लगाते हैं तेजी से अदा करने की कोशिश करते। तो पहला हक अल्लाह पाक का है जिसने हमें पैदा किया, अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे। जो ही नमाज का वक्त दाखिल हो, अगर जमात के साथ नहीं पढ़नी तो भाई हो दोस्त हो बहन हो सबके लिए पहला टाइम, बस यूं कहें जी कि अगर मैं पहले रब की बारगाह में हाजिर ना हुआ तो मेरे काम नहीं होगा, इंशाअल्लाह उस मालिक की मदद आएगी। बस इन्हीं कलमात में वो उनकी बारगाह में मुझ जैसा गुनाहगार कुछ कह नहीं सकता, वो बहुत बुलंदस्तियां थी, वो इतना बड़ा काम कर गए कि इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, सजदे तो सबने किए इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।